क्या आप जानते हैं अमेरिका में एक बिल्ली अपार्टमेंट की 19वीं मंजिल से गिर गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, केवल पांव में चोट आई। लेकिन इस घटना से फिर ये सवाल सामने ला दिया कि ये बिल्लियां आखिर इतनी ऊंचाई से गिरकर भी इन्हें कुछ क्यों नहीं होता, ये बच कैसे जाती हैं? ये घटना बॉस्टन की है, जहां शुगर नाम की इस बिल्ली की मालकिन ब्रिटनी ने सुबह सुबह ये सोचकर खिड़की खोल दी कि शुगर को थोड़ी ताजी हवा मिल जाए, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शुगर 19वीं मंजिल से नीचे गिर गई, मगर वैज्ञानिक इस घटना पर चकित बिल्कुल नहीं हुए। एनिमल्स डॉक्टर और चीफ वैज्ञानिक बताते हैं कि आखिर बिल्लियां ऊंचाई से गिरने के बाद भी क्यों नहीं मरती, क्यों बच जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिल्लियों का शरीर ऐसा बना होता है कि उन्हें ऊंचाई से गिरकर भी कुछ नहीं होता। दरअसल बिल्लियां सतहों पर जितनी जगह छेकती हैं, वो क्षेत्र उनके वजन के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। इसी वजह से उनके गिरने पर पड़ने वाले जोर काफी घट जाते हैं। किसी चीज के गिरने के साथ नीचे पहुंचने पर उसकी अंतिम गति को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। ये नीचे खींचने वाले गुरुत्वाबल और ऊपर ढकेलने वाले हवा के बल का एक फल होता है। अगर एक बिल्ली अपने चारों पैर को फैलाकर गिरती है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मगर अगर उसी ऊंचाई से कोई इंसान गिरे तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। बिल्लियां स्वाभाविक रूप से तुरंत पता लगा लेती हैं कि कैसे पांव नीचे रखकर संतुलन बनाया जाए, जबकि इंसानों में अभी तक ये स्वाभाविक क्रिया की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो पाई है। इन जीवों को पता होता है कि वो किसी भी समय गिर सकती हैं, जैसे वो कभी शिकार पर कूदे और अचानक उनका अनुमान गलत हो जाए या कहीं किसी ऊंचाई से नीचे गिर जाएं, तो वो तुरंत ही खुद को बचा लेने के लिए एक बहुत ही जल्दी निर्णय लेती हैं और सीधे नीचे की तरफ गिरती हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।